hello student how are you today i'm here with a poem an elementary school classroom in a slum but before starting our poetry student how would you feel if you're born in a slum area of a poverty stricken family you know there is no proper education no proper facility and nothing to eat and all and in that situation if you are asked to study in a school i think that would be very very pathetic situation for you student exactly the same feeling you can feel when you see this poem so before starting the poem i ruby rajput welcome you all and uh, today we are going to talk about the poem an elementary school classroom in a slum. So, before starting our poetry, first we have to see about the author. So, student, this poem is written by Stephen Spender, who was an English poet and essayist. He left his University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930 spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. books by spender include poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography, world within world. in an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़ सो हीयर यू कैन सी टू थीम्स आर हीयर फर्स्ट सोशल इनजस्टिस मीन्स यहाँ पर इस पोइट्री में हम देखेंगे कि एक मिडल क्लास uh, के जो फैमिलीज़ हैं या फिर पीपल हैं उनके बारे में बताया गया है जो कि हमारे समाज में रहते हैं बट हम सभी के द्वारा वो इग्नोर किए जाते हैं तो ऐसा जो क्लास है वो अपने राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वालिटी की मांग कर रहा है हमसे और यही चीज इन्होंने इन दो थीम्स के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है जो कि सोशल इनजस्टिस है और क्लास इनक्वालिटी है हम ये भी सोचते हैं कि सब इक्वल हैं और इक्वल राइट्स मिले हुए हैं सबके साथ में जस्टिस भी एक जैसा होता है लेकिन ये चीज़ें हमें इस पोइट्री में देखने को नहीं मिलेंगी इस पोइट्री में आपको सोशल इनजस्टिस और दूसरा क्लास इनक्वालिटी के बारे में देखने को मिलेगा तो लेट्स सी द पोएम फार फार फ्राम गस्ट्री वेव्स दीस चिल्ड्रंस फेसिस तो ये जो बच्चे हैं जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं इन बच्चों के जो फेस हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं मानो कि गस्ट्री वेव्स हो गस्ट्री वेव्स मीन्स जो वेव्स समुद्र की लहरें होती हैं धुंधली और जो दूर से हमें एकदम धुंधला फॉगी सा दिखाई देता है तो इस तरह का इनका जो चेहरा है वो हमें नज़र आ रहा है मानो कि वो गस्टी वेव्स हो। लाइक रूटलेस वीड्स और इनके फेस को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स से रूटलेस वीड्स मीन्स अनवांटेड ग्रास द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर और जो हेयर है मीन्स बाल हैं उनके वो स्कैटर्ड हैं बिखरे हुए हैं नॉट कॉम्ड प्रॉपर तरीके से कॉम किए हुए नहीं हैं और पैलर मीन्स इनका जो फेस है वो पेल है बहुत ही कह सकते हैं डिम है और इनके चेहरे पे लाइटनेस नहीं है डल है तो ऐसे फेस पे जो इनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अनवांटेड ग्रास हो रूटलेस वीड्स हों द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हैड

बताया गया है उनके सिचुएशंस को उनके कंडीशंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो जो फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो है एक टॉल गर्ल विथ हर वेक डाउन हैड और वो टॉल गर्ल क्या करके बैठी है अपने हेड को डाउन करके बैठी है मीन्स उसका जो हेड है वो ये नहीं कि वो बस ऐसे ही क्लास में हेड डाउन करके बैठी है बल्कि उसको बहुत सारा दुख है सैडनेस है उसके ऊपर बर्डन है वो डिप्रेशन में है दैट इज़ वाई उसका फेस जो है वो हेड डाउन करके बैठी हुई है नेक्स्ट जो है पेपर सीमिंग बॉय पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है बहुत ही पतला बहुत ही थिन एक बच्चा है जो पेपर की तरह नज़र आ रहा है वो बच्चे की आइज़ को रेड्स आइज़ के साथ में कंपेयर किया गया है दैट मीन्स रेड की आइज़ जो कि हमेशा क्योरियस होती है फूड की तलाश में होती है फूड सर्चिंग करती रहती है हमेशा तो इसी तरह से उस बच्चे की आइज़ को रेड की आइज़ के साथ में कंपेयर किया गया है दैट मीन्स वो बच्चा जो है वो भूखा है वो उसकी जो आँखें हैं हमेशा खाने की तलाश कर रही हैं और जो नेक्स्ट है वो दन अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स स्टन्ट मीन्स अनडेवलप जो कि उनका ग्रोथ है ऐसे बच्चों का वो रुक गया है और ऐसे बच्चे जो हैं वो अनलकी हैं और फैमिली से हेयर मीन्स विरासत में उन्हें अपनी फैमिली से विरासत में क्या मिला है ट्विस्टेड बोन्स मिले हैं मतलब उनका जो कहते हैं ना जेनेटिक तो उनके फादर से उन्हें ये जो ट्विस्टेड बॉन्स हैं वो उन्हें मिला है रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिस और ये क्या कर रहे हैं रिसाइड कर रहे हैं मतलब कि गा रहे हैं रिपीट कर रहे हैं नाल मतलब कि रफ बॉर्न बहुत ही ख़राब उनकी जो हड्डियां हैं वो है और वो डिसज़ हैं उनको बीमारी है जो कि उन्हें अपने फादर से अपने पूर्वजों से अपने विरा, उनकी विरासत में उन्हें मिली हुई है तो वो बेंच पर बैठे बैठे अपने फादर के इस डिसेस को रिपीट कर रहा है बता रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क और अपने डेस्क पर बैठे बैठे इस लेसन को रिपीट कर रहा है कि उसे उसके फादर से ट्विस्टेड बॉन्स मिले हैं एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अन वॉन्टेड स्वीट एंड यंग और क्लास में एकदम लास्ट में लास्ट बेंच पर द डिम क्लास डिम क्लास का मतलब क्लास काफ़ी अंधेरा है वहाँ पर लाइट नहीं है रोशनी प्रॉपर नहीं है एक अननोटेड अननोटिस्ड एक लड़का बैठा है जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है स्वीट बहुत ही सुंदर है वो बच्चा एंड यंग बहुत ही एनर्जेटिक है जैसा कि ऊपर बताया कि पेपर सीमिंग बॉय तो उसे यहाँ पर एक यंग और एनर्जेटिक बच्चे के साथ में कंपेयर किया जा रहा है कि वो अननोटेड है उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है हीज आइज़ लिव इन अ ड्रीम उसकी जो आँखें हैं वो ड्रीम में डूबी हुई हैं दैट मीन्स उसका ध्यान जो है वो क्लास में नहीं है ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस और उसकी जो उसका जो ध्यान है वो बाहर विंडो के बाहर जो स्क्वायरल है वो ट्री के ऊपर अपना गेम खेल रही है तो वो कह रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वो स्क्वायरल के गेम को देख रही दैट मीन्स वो क्लास में उसका ध्यान नहीं है और ट्री के ऊपर जो एनर्जेटिक स्क्वाल है जो गेम खेल रही है उसकी तरफ उसका ध्यान जो है लगा हुआ है

ऑल सिटीज़ तो क्या मिला है कुछ तस्वीरें मिली हैं जिसमें पहली जो पिक्चर है वो शेक्सपियर के हेड की हैं अभी जो सेक्सपियर का हेड है वो बताया गया है क्योंकि वो आगे से उसमें हेयर नहीं है बाल नहीं है इसीलिए उसको वहाँ पर बच्चों को सेक्सपियर का जो हेड है वो दिखाया गया है और दूसरा जो है क्लाउडलेस एट डाउन दैट मीन्स ढलता हुआ सूरज जहाँ बादल दिखाई नहीं देता बिना बादल का ढलता हुआ सूरज ऐसा एक पिक्चर वहाँ लगाया गया है सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ और एक पिक्चर है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल घर को दिखाया गया है जो कि हर सिटीज़ में वो दिखाई देता है ऐसा एक पिक्चर वहाँ लगाया गया है बैल फ्लावरी टायरोज वैली और दूसरा एक पिक्चर है जो कि टैरोलिस का है वो विक्टोरिया में एक प्लेस का नाम है तो उस प्लेस में फ्लावरी दैट मीन्स जो नेचर है उस वैली में उस नेचर को उस पेंटिंग में दिखाया गया है ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड और दूसरा एक चीज़ और डोनेशन में क्या मिला है ओपन हैंडेड मैप जो कि ये मैप है वो ओपन हैंडेड इसलिए बताया गया है क्योंकि इस मैप में आप सब कुछ देख सकते हैं अपने आसपास की हर दुनिया को देख सकते हैं अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब दुनिया की हर जगह को हर प्लेस को आप इस मैप में देख सकते हैं जो कि ओपन हैंडेड है सबको अपने अंदर समा लेता है वो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देअर वर्ल्ड लेकिन इन बच्चों की दुनिया को वो अपने मैप में नहीं दिखा पाता है इन बच्चों को उसने अपने दुनिया में अपने मैप में जगह नहीं दी है तो इन बच्चों के लिए आज भी ये विंडोज़ ही हैं जो इनकी दुनिया है क्योंकि जब भी ये इन विंडोज़ से बाहर देखते हैं तो उन्हें वही स्लम एरिया वही गंदी जगह डर्ट वाली और पॉवर्टी वाली माइजरी वाली जगह जो है उन्हें विंडोज़ के बाहर देखने को मिलती है तो वही उनकी दुनिया है बल्कि ये मैप जो ओपन हैंडेड मैप लगाया गया है जो सबको अपने अंदर समा लेता है लेकिन ऐसे स्लमी एरियाज़ वाले बच्चों को इसने अपने अंदर जगह नहीं दी है तो वो बार बार वो उस विंडोज़ को देखते हैं और विंडोज़ के बाहर रहे हुए उस वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वे आर ऑल देयर फ्यूचर स्पेंटेड विथ अ फॉग और जहाँ पर उस विंडोज़ के बाहर जो वर्ल्ड है वहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो एक अंधकार में डूबा हुआ है फॉग से भरा हुआ है दैट मीन्स धुंधला है कुछ क्लियर नहीं है ऐसे बच्चों का फ्यूचर जो है क्लियर नहीं होता है कि उन्हें करना है क्या है नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अली स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स अब इसमें बताया कि एक नैरो स्ट्रीट जो है विंडो के बाहर ये देख रहे हैं कि नैरो स्ट्रीट है जो कि सील है क्योंकि ये स्लमी एरिया में रहते हैं जहाँ कचरा और डस्ट और गार्बेज से भरा होता है तो ऐसा जो एरिया है वो सील्ड कर दिया गया है कचरों से विथ अ लीथ स्काई और जो स्काय है वो भी इन्हें दिखाई नहीं देता है स्काय भी इनका जो है वो अंध अंधेरे से भरा हुआ दिखाई देता है डैट मीन्स इनका जो एरिया है वो पूरा कचरे से कवर हो गया है तो ऊपर का जो स्काई है वो दिखाई नहीं देता और पूरा अंधेरे से भरा हुआ जो माहौल है वो इनके स्लम एरिया में देखने को मिलता है फार फार फ्राम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और इनकी जो दुनिया है ये काफी दूर है रिवर्स से कैप्स कैप्स मीन्स सी के बीच में जो आइलैंड होता है उसे कैप्स कहते हैं तो उन कैप्स से एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स दैट मीन्स खुशी भरी और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, प्यारी बातों से ये लोग काफ़ी दूर हैं श्यार्ली शेक्सपियर्स श्यार्ली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप एंड सन एंड लव टिंग डैम्प टू स्टील अब इसमें जो शेक्सपियर है उसे विक्ट बताया गया है विक्ट मीन्स बहुत ही क्रूअल बहुत ही दुष्ट और बेकार एविल तो उसे बेकार और एविल इसलिए बताया गया क्योंकि वो मास्टर ऑफ लिटरे इंग्लिश लिटरेचर हैं और शेक्सपियर के इन पोइट्रियों की समझ इन बच्चों को नहीं है वो बच्चे जो हैं इसे समझ नहीं सकते हैं इसीलिए इसे विक्ट बताया गया है क्योंकि इसका जो पिक्चर है वो इन बच्चों के लिए कोई आ, काम का नहीं है ये वर्थलेस है इन बच्चों के लिए दूसरा कि इन बच्चों को रीडिंग नहीं आती तो ये बच्चे शेक्सपियर की आ, जो बहुत ही टफ और आ, आ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो पोइट्री हैं उन्हें ये कैसे समझ पाएंगे इसीलिए उसे विक्ट बताया गया है दूसरी बात कि जो मैप है उसे बैड एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया गया है क्योंकि मैप जो है वो सभी को अपने अंदर उसने जगह दी है बट इन बच्चों के एरिए को इन स्लम एरिए को इन स्लम बच्चों को उसने अपने अंदर जगह नहीं दी है इसीलिए इस मैप का उनके लिए या उनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है इसलिए बैड एग्जांपल बताया गया है दूसरा विथ शिप्स एंड सन और इस मैप में जो हमें देखने को मिलता है पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के अंदर शिप्स हैं सन हैं लव टैम्प्टिंग दैम टू स्टिल और जब ये सारी चीज़ें ये देखते हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें टैम्प्ट करती हैं दैट मीन्स अट्रैक्ट करती हैं किन चीज़ों के लिए फोर्स स्टीलिंग चोरी करने के लिए अटैक करती हैं कि हाँ अगर किसी गरीब बच्चे के सामने कोई अमीर बच्चा आ जाए तो गरीब बच्चों की आंखों में उस बच्चों को देखकर उसके जैसा बनने की एक जो कहते हैं ख्वाहिश और ड्रीम जो है वो जाग जाती है और वो अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टीलिंग जैसा काम चोरी जैसा काम भी कर सकता है करने लगता है तो ये जो चीज़ें हैं जो मैप उन्हें दिखा रहा है बाहरी जो दुनिया है जो उन्हें दिखा रही है वो उन्हें स्टीलिंग के लिए मजबूर कर देती है एंड फोर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द्रैम्प्ड हॉल्स और ये जो अट्रैक्शन से भरी चीज़ें हैं ये इनकी लाइव्स को इनकी ज़िंदगी को धीरे धीरे क्या करती हैं स्लाईली मतलब सीक्रेटली क्लेवरली इन्हें टर्न कर देती हैं किसमें क्रैम्प्ड हॉल में दैट मीन्स छोटे से होल मतलब जगह में उन्हें वापस से धकेल देती हैं स्लम एरिया में मीन्स अगर ये कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें वापस से इनका जो सिचुएशन है इनका जो कंडीशन है वो उन्हें याद दिला दिया जाता है और फिर से उन्हें उसी एरिए में धकेल दिया जाता है भेज दिया जाता है फ्रॉम फॉग टू एंडलैस नाइट अब फॉग फॉग का मतलब अनक्लियर एंडलेस नाइट दैट मीन्स एंडलेस डार्कनेस जिसमें वो रहते हैं उनकी जो जगह है उनकी जो ज़िंदगी है वो अनक्लियर है और एंडलेस डार्कनेस से भरी हुई है ऑन देयर स्लैग हीप और ये स्लैग मीन्स वेस्ट और हीप मतलब कचरा ढेर तो इस कचरे के ढेर पर जो कि वेस्ट से भरा हुआ है उस पर वो रहते हैं दीस चिल्ड्रन वियर्स स्किन पिप थ्रो बाय बॉन्स और इन बच्चों के जो स्किन्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब वीक हैं कमज़ोर हैं कि पिप्ड मतलब इनके जो बॉन्स हैं वो इनके शरीर से या इनके द्वारा पहने गए कपड़ों से बाहर झांक रहे होते हैं मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं ये तो इनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर निकली हुई हैं इनके शरीर से बाहर निकली हुई हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास और इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं जो कि स्टील का फ्रेम से बने हुए हैं स्टील का फ्रेम जो होता है बहुत ही हैवी होता है और मैंडेड ग्लास दैट मीन्स जो ग्लास है कांच वो भी टूटा हुआ है और उसी को जोड़ के या फिर मेंड करके उसे आ, स्टील के फ्रेम में कन्वर्ट करके स्पेक्टिकल्स बना दिया गया है और वो ग्लास है लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स वो ग्लास ऐसा नज़र आ रहा है मानो कि किसी कांच की बॉटल को आपने स्टोन पर ज़ोर से मार के तोड़ा हो इस तरह का वो जो कांच है वो नज़र आ रहा है उनके स्पेक्टिकल्स का ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम उनका जो टाइम है और उनका जो स्पेस है जगह वो सब कुछ फॉगी है दैट मीन्स धुंधला है अनक्लियर है कुछ भी क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है या फिर उनका आगे फ्यूचर प्लान क्या है वो पूरा फॉगी स्लम से भरा हुआ है सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम दैट मीन्स क्या बताया जा रहा है कि ब्लॉट करना ब्लॉट करना दैट मीन्स मार्क करना तो बता रहे हैं कि इनके स्लमी एरिया को उस बड़े मैप में मार्क करो और उनके स्लम एरिया को दिखाओ डो मींस डिस्ट्रक्शन हेल तो इस छोटी सी चीज़ को इस बुरी चीज़ को भी इस मैप में जगा दो ऐसा डिमांड किया जा रहा है कि इन्हें भी इस मैप में दिखाया जाए अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर जब तक कि कोई गवर्नर यहाँ विजिट करने नहीं आता है इंस्पेक्टर या विजिटर कोई यहाँ आके इनकी सिचुएशन को देखता नहीं है इनकी कंडीशन को नहीं देखता है दिस मैप बिकम देयर विंडो तब तक ये मैप ही इनके लिए विंडो है एंड दीज विंडोज दैट सेट अप ऑन देयर लाइव लाइक कैट लाइक कैटकॉम्स और ये विंडो जो है इस विंडो ने इनकी लाइव्स को सट करके रख दिया है बंद करके रख दिया है जैसे कि कैटाकॉम्स हो कैटाकॉम्स मीन्स ग्रेवयार्ड जो कि ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं जिसमें जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें दफनाया जाता है तो इनकी लाइफ जो है वो ऐसी छोटी छोटी सेगमेंट्स में बट गई हैं और इनको सेगमेंट में दफन कर दिया गया है इनकी लाइव्स को जैसे कि एक मानो कैटाकॉम्स हो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन अब इसमें बताया जा रहा है कि आ, इन्हें इनकी इस जंजीर को इस कड़ी को इस हदकड़ी को तोड़ दो जिसमें वो फंसे हुए हैं जिनसे वो जकड़े हुए हैं और ओपन टिल और उसको खोल दो टिल द ब्रेक द टाउन जब तक कि वो टाउन तक पहुंच नहीं जाए वहाँ तक टाउन uh, तक वो जब रीच हो जाएंगे तब तक उनकी बेड़ियों को बांधना नहीं है उन्हें खोल देना है एंड शो द चिल्ड्रन टू फील्ड और इन बच्चों को इस स्लम एरिया से बाहर निकाल कर हरे भरे खेतों को देखने दो उन्हें उस नेचर का मज़ा लेने दो एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल सैंड और उनकी दुनिया को दूसरी दुनिया से मतलब जो कंपेरिजन में अलग कर दिया गया है तो उन्हें अलग ना करें और दूसरी दुनिया को भी उन्हें देखने का मौका मिले और उन्हें भागने दिया जाए ऐज्योर एज्योर मीन्स जहाँ पर ब्लू कलर का स्काई दिखाई दे ऐसे वर्ल्ड में या ऐसी दुनिया तक उन्हें भागने दिया जाए और गोल्ड सैंड का मतलब है कि उस रेत में उन्हें नंगे पांव दौड़ने दिया जाए और उन्हें उस ज़िंदगी का भी मज़ा लेने दिया जाए एंड लेट देर टंग रन नाइट इंटू बुक्स और उनके टंग्स को फ्री कर दिया जाए देट मीन्स उन्हें बांध के नहीं रखा जाए उन्हें जो बोलना है जैसे बोलना है वो बोल सकते हैं उन्हें सीखने का उन्हें नॉलेज लेने का मौका दिया जाए ताकि वो बुक्स को रीड कर पाएँ द वाइट एंड ग्रीन लिव्स वाइट मीन्स बुक्स के पेजेस और ग्रीन मतलब जो हरे भरे खेत हैं मैदान हैं उन्हें देखने दिया जाए तो ये दो चीज़ें उन्हें करने दिया जाए एक तो उन्हें बाहर जब हम दूसरे वर्ल्ड में भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज लेंगे और नॉलेज लेंगे तो कुछ सीखेंगे उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा उन वाइट बुक्स के पेजेस को उन्हें टर्न करने का मौका मिलेगा जो कि वो उनकी आ, ये सॉर क्रीम वॉल भरी क्लासरूम की बीच में दब कर रह गई है और उसमें वो जो उनकी बुक्स हैं वो खोल नहीं पाते हैं पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके बुक्स को भी उन्हें खोलने का मौका मिलेगा पढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरी चीज़ जो है ग्रीन लीव्स उनको उनको हरे भरे मैदानों में दौड़ पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि वो स्लम एरिया में बंद के रह गए हैं उन्हें उस एरिया से बाहर जाने का मौका मिलेगा तो ये दो चीज़ करने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट कह रहे हैं हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन अब यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो मेहनत करके दूसरे की लाइफ को लाइटनेस से भर देते हैं हिस्ट्री उन्हें ही याद रखती है और हिस्ट्री जिनकी लैंग्वेज जो है सन है मीन्स खुद को कंज्यूम करके सन जो है हमें लाइट देता है तो वो अपने आप को कंज्यूम करके हमें अगर कुछ दे रहा है तो ऐसे ही लोगों को हिस्ट्री जो है याद रखती है तो हमें भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए सो स्टूडेंट होप यू अंडरस्टूड वेल एंड इफ एनी क्वेरी इज देयर रिगार्डिंग दिस पोइट्री

स्काई, ये दो चीज़ें जो हैं मेटाफर हैं दूसरा मेटाफर जो है वो पेपर सीमिंग बॉय ये भी मेटाफर है नेक्स्ट एल्यूजन एलियुजन जो है सेक्सपियर्स हैड टैरोलीज वैली इसमें रेफरेंसेस टू तो वेल नॉन पर्सन और प्रेस मतलब दो वेल नॉन जाने माने पर्सन के बारे में बताया गया है और प्लेस के बारे में बताया गया है जो कि सब लोग जानते हैं तो इसीलिए यहाँ पर एल्यूजन है नेक्स्ट रिपिटेशन बार बार यहाँ पर रिपिटेशन आया है फार फार ब्रेक ओ ब्रेक ये भी रिपिटेशन है नेक्स्ट मेटाफर जो कि वाइट एंड ग्रीन लीव्स ये भी मेटाफर है नेक्स्ट जो है सिमली लाइक रूटलेस वीट ये सिमली है और नेक्स्ट जो सिमली है वो है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स ये दो चीज़ें जो हैं वो सिमली है और बाकी के मेटाफर तो ये हमारे पोइटिक डिवाइस हैं दैट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं So, note it down. And uh, here are a few questions which uh, you have to write down in your notebook. These questions are also very important. Thank you for watching this video. See you next week. Goodbye. Take care.